सिविल स्टेप नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन के लिए एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया है। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोगों ने आपके साथ कुछ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज करनी है, जिससे हमारा एक प्रयास रहेगा कि इंटरव्यू के अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स अपने अचीव कर पाएं, और जो अदरवाइज आप लोग अगर रॉ फॉर्मेट में जाएंगे उससे एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स आप लोग ज़्यादा गेन करें। इस तरीके का एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले 14th ऑफ मे को एक मॉक इंटरव्यू ड्राइव रहेगी। ये मॉक इंटरव्यू ड्राइव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में है। इस वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है। जो लोग 14 को इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने स्लॉट्स को बुक करवाना है। हमने 10 ही कैंडिडेट्स के इंटरव्यू 14 को कंडक्ट करने हैं। हमने देखना है कि अगर और ज़्यादा बच्चे आते हैं तो फिर हम और स्लॉट्स भी आप लोगों को डेज दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो 14 को दिए जाएंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होंगे। दूसरी बात, केवल डायरेक्टली आपको रॉ फॉर्मेट में मॉक इंटरव्यूज़ में नहीं बिठाया जाएगा। उससे पहले फ्राइडे को मैं आप लोगों के साथ शाम को 7 बजे, फ्राइडे है 12 तारीख को शाम को 7 बजे एक घंटे का एक जूम सेशन कर लूँगा, जिसके में मैं इंटरव्यू में होने वाले नॉन्सेजेस, क्या क्या इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट रहती है, उन सबको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये जो 7 बजे सेशन रहेगा, इसमें हाउ टू फिल योर डेफ भी इसका एक हिस्सा रहेगा, जिसमें डेफ के अंदर अलग अलग एरियाज हैं, हर एरियाज पे कौन सी जगह पे क्या फोकस डालना है, और डेफ आपका बड़ा अमेच्योर ना लगे, वो एक ऐसा लगे कि जो किसी एक जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने वाला विद्यार्थी डेफ को जितनी गंभीरता से भरता है वो सारी गंभीरता उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए। दूसरा, डेफ को कुछ इस तरह से भरा जाता है कि वो उन क्वेश्चन को इन्वाइट करें जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, तो उसको कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर किया जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो उसके बाद जब आप 14 तारीख को ये मॉक इंटरव्यू सेशन देंगे, उसके बाद मैं आपका एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चनेयर दूंगा। वो क्वेश्चनेयर कौन से होंगे, HP GK जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बड़े फेमस कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो क्वेश्चनेयर दिए जाएंगे। आपके डेफ रिलेटेड क्वेश्चनेयर दिए जाएंगे। थर्ड, आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चनेयर दिए जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के PDF आप लोगों के साथ पर्सनली शेयर किया जाएगा, जो हमारे साथ इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। जैसे ही आपका मॉक इंटरव्यू सेशन होता है, उसके 2 दिन के बाद आपका 1-on-1 जूम सेशन कंडक्ट किया जाएगा। उन जूम सेशन में जो क्वेश्चनेयर आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चनेयर को इंटरेक्टिव वे में, इट विल नॉट बी अ इंटरव्यू, रेदर इट विल बी अ इंट्रैक्शन एंड द डिस्कशन। इसमें मैं उन कुछ क्वेश्चंस को आपसे पूछूंगा, आपने अपना आंसर देना है, फिर आपके आंसर को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और उसको बेहतर और पॉलिश्ड आंसर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही एक ड्राइव आपके साथ चलेगी, ताकि आपके, देखो क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे लेकिन क्वेश्चन से कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आपको मिल भी गया, आप उसका आंसर अपनी नॉलेज के हिसाब से दे दोगे, लेकिन आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। अगर उसका आंसर एक रीस्ट्रक्चर्ड आंसर दिया जाए, और ऐसा आंसर दिया जाए जिसके रेंज और डेप्थ दोनों ही बहुत अच्छी हो, तो आपको आपके आंसर से कंटेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, और यही एप्रिसिएशन आपके ज़्यादा मार्क्स भी गेन करवाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इस इंटरेक्टिव सेशन में, जो आपके मॉक इंटरव्यू के बाद कंडक्ट किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हम HS में जो अभी बच्चे हमारे इंटरव्यू में जा रहे हैं उनके साथ इस तरह के ड्राइव हम लोग कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस है कि बच्चों के इंटरव्यू काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उनके आंसर्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं वहाँ पे, राइट। तो ये ड्राइव हम जो है कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ये ड्राइव कंडक्ट की जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि इसके अंदर हमारे भी बहुत ब्लड एंड स्वेट इसमें जाता है और बहुत एफर्ट लगते हैं और टाइम जाता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे पास पहले आ पाएगा हम उसी को कैटर कर पाएंगे, बाकियों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी भी बहुत सारे हैं इस बार, राइट। तो आपने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन, जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैम से बात करके अपनी सीट को बुक करा लेना है, और इंटरव्यू के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने के लिए एटलीस्ट अपनी रिक्वेस्ट रेज कर देनी है।